इधर माइक खाली रखना हां तो यहां पर रख अरे इधर है वो दीजिए ना कर दो अरे हाथ में दे दो यार खुले साइड में अरे रात में नीचे आओ नीचे रखो नीचे रखो बस आवाज आ रही है रंजीत सर एक सेकंड रंजीत सर रंजीत भैया शॉर्ट सर तुम्हारे पास भैया तुम आगे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम हमारे मीडिया बंधु इलेक्ट्रॉनिक को प्रिंट को सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे साथ बालगोविंद जी पप्पू चौहान जी मधुकर आनंद जी रंजन जी तमाम हमारे पार्टी के सभी साथी को धन्यवाद देता हूँ विशेष तौर पे धन्यवाद हम बोछा के धंधा जनता को देते हैं कि उन्होंने मजबूती से वीआईपी पार्टी पे भरोसा जताया है साथ ही पूरे बिहार के जो भी हमारे साथी खास करके बोछा विधानसभा में उपचुनाव में आए थे मदद किए थे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके सहयोग से आपके मेहनत के दम पर आज बोछा विधानसभा में हम लोगों ने मजबूती से चुनाव लड़ा चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ा था निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त नहीं हुआ लेकिन अमर पासवान जी जीते हैं उनको बधाई देते हैं साथ ही उनकी पार्टी को बधाई देते हैं आरजेडी ने वहाँ पे उनकी दर्ज की है साथ ही हमारे लिए कई तरह की जीत होता है तो ये भले हमारी हार है इन हार में भी हमारी जीत है अब कहिए कैसे तो हमने वहाँ पे अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहा हम अपने आधार वोट जो वीआईपी पार्टी का आधार वोट 20,000 होता है वो वोट हमने लाने में कामयाब रहा उसके बाद हमने 30,000 वोट जो तकरीबन 18% वोट होता है वो हमने मजबूती से अपने कार्यकर्ता के दम पे हमने लाया है वो भी सिर्फ निषाद समाज का पोलिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो सिर्फ 8% होता है लेकिन 8% की जगह हमने 18% वोट लाया तो ये कहीं ना कहीं हमारे अति पिछड़ा निषाद समाज के सभी पार्टी के सभी पदाधिकारी सिर्फ हमारे वोटर नहीं है हमारे कार्यकर्ता है उन्हीं के सदम पर हमने 8 से 18% तक हमने वोट लाने का काम किया है तो निश्चित तौर पे एक हमारी बड़ी जीत है और हमारी जो खास करके जो वो सीट पर हमें लड़ना था जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने सीट को कब्जा करने का इरादा रख के अपनी पार्टी को प्रत्याशी को उतारने का काम किया उनको भी कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि उन्होंने गलत किया और उनको वहाँ पे चुनाव अच्छी मार्जिन से हारना पड़ा जो सीट कल तक हम साथ में थे हम वहाँ पे लड़े थे 12,000 वोट से हमने वहाँ पे जीत हासिल किया था लेकिन वही सीट आज 36,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल के साथ रहने के बावजूद भी चुनाव हारे हैं एक तरफ चार पार्टी दूसरी तरफ भी चार पार्टी और एक तरफ वीआईपी पार्टी अकेले अपने दम पर जो 30,000 वोट लाने में हमने कामयाब रहा आज निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बड़ी जीत है और इसी तरीके से आने वाले समय में मजबूती से हम लोग काम करेंगे आपने देखा होगा कि हर पंचायत में विधायक को उतार दिया गया कई दर्जन मंत्री को लगा दिया गया मुख्यमंत्री लग गए दो दो डिप्टी सीएम लग गए पूर्व मुख्यमंत्री लग गए और केंद्रीय मंत्री को लाना पड़ा उसके बावजूद भी उनको वहां पे चुनाव हारना पड़ा और एक तरफ आरजेडी ने हमारे प्रत्याशी को ले लिए और जिनको उनको टिकट देना था उन पर उनको भरोसा नहीं हुआ उनको छोड़ दिया एक दलित के बेटी को अपमान करके उनको छोड़ने का काम किया हमने वहीं पे अपने दाव लगाया और उन्हीं को हमने एक गरीब एक दलित के बेटी को हमने हाथ पकड़ने का काम किया और उसके सहयोग से उन्हीं के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जो 30,000 वोट हमने लाने का काम किया तो ये कह सकते हैं कि वीआईपी पार्टी का जीत है
हम लोगों ने भले चुनाव हारा है लेकिन हमने जनता का दिल जीतने का काम किया। एक 30,000 जनता का मैं आभारी हूँ जो वहाँ पे मजबूती से वीआईपी पार्टी पे भरोसा किया है और हम अपने आधार वोट को भी हमने लाने का प्रयास किया और वो तो सफल हमने रहा। और जो भाजपा के जो प्रदेश के जो नेता है कुछ जो 5 वोट जोड़ नहीं सकते लेकिन सैकड़ों वोट नुकसान करने के लिए हैं, ऐसे नेता को मैं कहूँगा कि अभी भी मौका है, संभल जाइए। और खास करके केंद्र सरकार केंद्र में जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको गुमराह करने का काम किया, वो अभी भी कहते हैं कि वो गुमराह करना बंद करें और कहीं ना कहीं जो हमारे साथ गलत किए, अन्याय किए, उसके लिए बिहार की जनता आपके लिए खड़ा है। आने वाले समय में 24 हो या 25 का चुनाव हो, इसका तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता और किसान खास करके निषाद समाज अति पिछड़ा समाज के बीच में जाके आपको बड़ी जवाब देना पड़ेगा। तो यही है हमारी जीत है, इसके लिए मैं आप सभी को बुलाए। आज हमारे इधर जश्न है, हमने जीत पे भले हमारी हार हुआ लेकिन पार्टी कार्यकर्ता में हमने लड्डू बटाने का काम किया। अभी मैं खुद बोछा विधानसभा में भी जाऊंगा, एक एक बूथ पर जाऊंगा जहां पे जनता ने हमें सहयोग किया और कई कुंटल लड्डू हम लोग आने वाले समय में बोछा विधानसभा में जाके अपने समर्थक के बीच में और बोछा विधानसभा में जाके लोगों के बीच में बांटने का काम करेंगे। शीघ्र ही उस पर हम लोग काम करेंगे। उसके अलावा पूरे बिहार में हम लोग बूथ लेवल पे कार्यकर्ता बना के मजबूती से हम तैयारी करेंगे। आज हमारे पास आधा 18% वोट आ ही गया, एक राज्य में चुनाव लड़कर 35-36% पे आपके सरकार बन सकता है। आधे वोट हमारे पास तो है ही, आधे वोट और कैसे हमारे पास जोड़ा जा सकता है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और 18% है ही, 18% अभी हमें लक्ष्य है कि 2024 से पहले पार्टी को इतना मजबूत कर देना है कि हम 25% वोट हो हमारे पास। आपने ये देखा होगा कि ये पहली बार मैंने अग्नि परीक्षा नहीं दिया, इससे पूर्व भी अपने 2019 में भी हमने सिमरी बख्तियारपुर पे अकेले चुनाव लड़ा, वहाँ पे हम 25,500 वोट लाए, इस बार 30,000 वोट लाए, हमने यहाँ पे 5,000 वोट बढ़ाने का काम किया, वहाँ पे भी हम अकेले लड़े, वहाँ पे एनडीए को हारना पड़ा और 15,000 वोट से हारना पड़ा और इस बार तो उन्होंने 36,000 वोट से वो हारे हैं। तो यही हमारी जीत है और मजबूती से इसी तरीके से हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमारे हाथ में खोने के लिए क्या था, हमें लड़ाई लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और हमने लड़ाई लड़ा, मजबूती से लड़ाई लड़ा और उसमें हम कह सकते कि वीआईपी पार्टी का एक बड़ा जीत है। आपने हाल फिलहाल में उपचुनाव आपने देखा होगा किस पार्टी को कितना वोट मिला है, लेकिन वीआईपी पार्टी को वही जगह पे 18% वोट मिला है। तो ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ता का जीत है और बोछा के जनता का जीत है कि उन्होंने गरीब का पिछड़ा का बेटा को बात को सुना और हमारे पक्ष में वोट करने का काम किया, 30,000 मतदान किया। धन्यवाद। जश्न आप जीत का मना रहे हैं या बीजेपी के हार का? नहीं, मैं चुनाव जीतने के लिए वहां पे गया था लेकिन हमारे प्रत्याशी जीते नहीं, लेकिन हमारे पास आधार वोट 30,000 वोट हमने लाया है और हमारे अपना बेस वोट हमारे पास बरकरार है और 18% वोट बैंक है, उसका जश्न हम मना रहे हैं। हम किसी के हार पे और जीत पे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम जीत जो हुआ है उनको हमने बधाई दिया है, ये मेरी जीत है और जो लोग अहंकार में चलते हैं उनका हार है और उस पर निश्चित तौर पे पूरे बिहार के लोगों को, देश के लोगों को, उस अहंकारी लोगों पे जीत पे जश्न हर किसी को मनाना चाहिए। वो भी हमारे रमेश राम जी भी वीआईपी पार्टी के अंग है, सदस्य है और वो हमारे साथ जुड़ गए तो वीआईपी हमारे साथ है। इसी तरीके से हम लोग पूरे क्षेत्र में मजबूत साथी को, पूर्व नेता, पूर्व विधायक, मंत्री को हम लोग पूरे बिहार में जोड़ने का काम करेंगे। वो उनका वोट मेरा वोट बाहर का वोट तो नहीं है, वो हमारी वोट है और वो बीजेपी के जो नेता कह रहे हैं वो बूथ पे जाके कैलकुलेशन भी कर लेंगे, उनको अंदाजा मिल जाएगा कि किनका वोट है। आपने देखा होगा कि 10 प्रत्याशी वहाँ पे उतरे, कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी उतरे और 3 प्रत्याशी रनिंग में रहा, 13 प्रत्याशी लड़े, लेकिन 10 प्रत्याशी का कुल वोट अगर जोड़ देंगे कांग्रेस पार्टी को साथ में तो 4.5% वोट रखा और मुझे अकेले 18% वोट मिला, तो ये हमारी ताकत है। जी हाँ, एक समाज के लोग कह रहे हैं कि हम साइलेंट रह गए इसलिए जो है ना आरजेडी जीत गई वहाँ से। ठीक है, जिनको क्या हुआ वो जो बहुत ज्यादा मार्जिन से आ रहे हैं उनको मंथन करने की आवश्यकता है। हम तो कहें कि हमारे हार में भी जीत है और हम इसका जश्न मना रहे हैं, हारने वाले समय में जो कमी रह गया उसको हम ठीक करेंगे और हम क्लियर है कि हम निषाद मल्ला का बेटा है,
हम तो श्री रामचंद्र जी को नगिया पार लगाते हैं, और जो हमारे नाव पे नहीं बैठेगा उनको इसी तरीके से डूबना पड़ेगा। अभी तो अभी हमारे पास 1.5 साल है, अकेले हम मैदान में उतरकर अपनी ताकत बनाएंगे। हमारे पास किसी से कम वोट बैंक नहीं है, हमें किसी के पास आने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पे बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के बेहतरीन के लिए हम चाहेंगे कि आने वाले समय में सामान्य विचारधारा वाले लोग हमारे साथ आएं और मजबूती से हम बिहार में सरकार बनाएं, और जो युवा से जो 19 लाख युवा को रोजगार देने का वादा किए हैं वो हम लोग आने वाले समय में पूरा करेंगे। तो एनडीए के प्रत्याशी हारती है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी एनडीए के नेता नीतीश कुमार की नहीं है? निश्चित तौर पे जो एनडीए के नेता हैं उनको ये जवाब नहीं लेना चाहिए कि 36,000 वोट से हारे, और उसको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके अलावा वो नेता को जो दिल्ली में जाके अपने सुप्रीमो को कन्विंस किए कि बिहार में मुकेश सहनी कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। हार से बगैर गठबंधन के आपके नाम कैसे देखिए लगेगी? हम तो हमारा संघर्ष है समाज के उत्थान के लिए, यही उद्देश्य ये पार्टी बना है। चुनाव आते जाते रहेंगे, हारना जीतना वो बात अलग है, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो पार्टी का एक वर्ग गरीब लोगों का युवा के लिए उद्देश्य है कि उनके लिए काम करना, तो उसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। आज हमारे पास कल तक 0% वोट था, आज 18% वोट हुआ, एक समय आएगा संघर्ष करेंगे 40% वोट लाके अपने दम पर बिहार में हम सरकार बना सकते हैं, ऐसी लड़ाई लड़ेंगे। और रहा सामान्य विचारधारा वाले लोग जिनको हमारे साथ नाव पे बैठ कर आगे बढ़ना है, वो सबको स्वागत करते हैं कि साथ आइए और मजबूती से बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। सूची में तेजस्वी का नाम शामिल है, एक ही आदमी हो गया। धन्यवाद। आखिरी सवाल है, जो समीकरण लिखे हैं 24 और 25 के चुनाव में, क्या इस समीकरण से भाजपा को आप रोक सकते हैं? निश्चित तौर पे ये भाजपा को आज देखिए कि किस तरीके से उनके हार हुआ है, 36,000 वोट से हुआ है। और मैं अभी जो जानकारी हमें प्राप्त हुआ, राज्य देश में 5 जगह चुनाव हुआ, 5 जगह भाजपा को हारना पड़ा, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनको विचार करना पड़ेगा कि आप सहयोगी के साथ किस तरीके से आज आप जब जरूरी पड़ा तब 74 विधायक जिताने में मुकेश सहनी का सहयोग लिए और हमने 4 विधायक क्या जीत लिया, आपको उस पर भी आपके नजर गिर गया और आपने 3 विधायक को आप तोड़ने का काम किए, हमारे सीट को छीनने का काम किए और कहीं ना कहीं का पिछड़ा का बेटा को अपमान करने का काम किया, तो ये सारी चीजें उन लोगों को विचार करना पड़ेगा। इसी तरीके से उनका रणनीति रहा तो देश में आने वाले समय में बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होना है। मैंने ऑलरेडी पहले दे दिया बधाई। आरक्षण के लिए सड़कों उतरेंगे क्या? आरक्षण की बात हो गया।